മാതൃരാജ്യത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവൻ ത്യജിച്ച ധീരജവാന്മാരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ്. കാർഗിൽ വിജയ ദിവസിന്റെ 24ാം വർഷത്തിൽ ലഡാക്കിലെ കാർഗിൽ ജില്ലയിലെ ദ്രാസിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭാരത് മാതാ കേ ലഡാക്ക് കീ രക്ഷാ കേ ലിയേ 1999 മേ കാർഗിൽ കീ ചോട്ടി പർ देश के सैनिकों ने वीरता का जो प्रदर्शन किया, हमारे सैनिकों ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, वह इतिहास में सदैव स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. आज हम खुली हवा में सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि किसी समय माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें कभी नीचे नहीं की. आज कारगिल में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती में अपना तिरंगा लहरा दिया था. कारगिल की वह जीत पूरे भारत की जनता की जीत थी. भारतीय सेनाओं ने 1999 में कारगिल की चोटियों पर जो तिरंगा लहराया था वह केवल झंडा भर नहीं था बल्कि इस देश के करोड़ों लोगों का स्वाभिमान था.